नमस्कार दोस्तों, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुधा की रसोई में बनने जा रहा है न्योता स्टाइल कद्दू और आलू की सब्जी, जो हमारे गांव के शादियों और भंडारों में कद्दू आलू की सब्जी बड़े चाव से बनाया और खाया जाता है। और दोस्तों, आप कद्दू की सब्जी को पूरी के साथ या पराठे के साथ बड़ी ही टेस्टी लगती है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अब वीडियो को लंबा ना करते हुए हमें कद्दू की सब्जी बनाने में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वह मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। जिसमें मैंने लिया है 1 किलो कद्दू। दोस्तों, यह हमारा कद्दू लगभग 2 किलो का है, जिसे हम आधा काट कर लगभग 1 किलो ले लेंगे। क्योंकि हम सिर्फ 3 से 4 लोगों के लिए कद्दू की सब्जी बना रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने 4 से 5 आलू, 3 टमाटर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पंचफोरन, 3 से 4 हरी मिर्च, 12 से 15 कलियां लहसुन, 20 ml सरसों का तेल, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला मैंने ले लिया है। दोस्तों, यह थी हमारे कद्दू की सब्जी में पड़ने वाली सभी सामग्री। अब हम कद्दू की सब्जी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले कद्दू और आलू को पकाना होगा। दोस्तों, पहले हम कद्दू को आधा काट लेंगे, क्योंकि हमारा कद्दू 2 किलो का है। अब मैंने कद्दू को आधा काट कर ले लिया है। फिर हम कद्दू को बड़े बड़े पीस में काट लेंगे और कद्दू के अंदर जो बीज है उस बीज को हम चाकू की मदद से निकाल लेंगे। दोस्तों, अब मैंने कद्दू को छोटे छोटे पीस में काट कर ले लिया है। फिर हम कद्दू के पीसेस को पानी में धुलकर एक कुकर में डालेंगे पकाने के लिए। दोस्तों, अब मैंने कद्दू के पीसेस को पानी में धुलकर कुकर में डाल दिया है। फिर उसके बाद ऐसे ही करके आलू और टमाटर को भी धुलकर कुकर में डाल देना है। दोस्तों, मैंने आलू और टमाटर को भी धुलकर कुकर में डाल दिया है। फिर हम कुकर में 1 कटोरी पानी डालकर कुकर को बंद कर देंगे। और कुकर को बंद करने के बाद हमें गैस जलाकर कुकर को गैस पर रख देना है 3 सीटी आने के लिए। दोस्तों, अब हमारे कुकर में 3 सीटी आ चुकी है। फिर हम गैस को बंद करके कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों, अब हमारा कुकर ठंडा हो गया है। फिर हम ढक्कन खोलकर आलू को चेक कर लेंगे कि हमारा आलू पका है या नहीं। दोस्तों, अब हमारे आलू और कद्दू दोनों अच्छी तरह से पक चुके हैं। फिर हम सब्जी को एक थाली में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम फटाफट आलू को छील लेंगे। दोस्तों, अब मैंने अपने सभी आलू को छील लिया है। फिर छीलने के बाद हम आलू को हाथों से दबाकर फोड़ लेंगे। दोस्तों, अब मैंने अपने सभी आलू को अच्छी तरह से फोड़ लिया है। फिर हम आलू और कद्दू को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। और दोस्तों, आप चाहे तो टमाटर को इसी में ही मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर को निकाल लूंगी, क्योंकि मैं टमाटर को मसाले के साथ डालूंगी। दोस्तों, अब मैंने सब्जी को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। फिर अब देर न करते हुए हम फाइनली कद्दू की सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम गैस जलाएंगे। फिर उसके बाद हम कढ़ाई को गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। दोस्तों, अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। फिर हम कढ़ाई में डालेंगे 20 ml सरसों का तेल, पंचफोरन। दोस्तों, पंचफोरन हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे कद्दू की सब्जी का टेस्ट एकदम भंडारे जैसी आए। फिर उसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च डालकर लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। दोस्तों, अब हमारे लहसुन का कलर हल्का सुनहरा हो गया है। फिर हम कढ़ाई में मसाले डालेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और गरम मसाला डालकर हम मसाले को 1 मिनट तक पकाएंगे।
दोस्तों अब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, क्योंकि हमारे मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फिर उसके बाद हम मसालों में पका हुआ टमाटर डालकर हम टमाटर को कलछी से मसलकर अच्छी तरह पका लेंगे। दोस्तों अब मैंने टमाटर को भी अच्छी तरह मसालों में पका लिया है। फिर हम कढ़ाई में मैश किया हुआ कद्दू और आलू डालकर अच्छी तरह मसालों में मिलाएंगे। फिर मिलाने के बाद हम सब्जी में स्वादानुसार नमक डालकर हम नमक को सब्जी में अच्छी तरह मिला देंगे। अब मैंने नमक को भी सब्जी में अच्छी तरह मिला लिया है। फिर हम सब्जी में कटी हुई हरी धनिया डालकर मिला देंगे। दोस्तों अब हमारे कद्दू की टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। दोस्तों कभी भी आपको भंडारे स्टाइल कद्दू की सब्जी खाने का मन करे तो एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर खाइए, और सुधा की रसोई में अपना कमेंट शेयर कीजिए कि आपको कद्दू और आलू की सब्जी कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।